हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन से ट्रिपल एस एस 88 में। दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो दोस्तों ये अपना चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो कुछ इससे रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज ले लें जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए दोस्तों क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इक्वेशन तीन तरह का होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ऐसे शॉर्ट में लिखाता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन जरा समझिएगा, लीनियर कब होता है, अगर कोई भी वेरिएबल इस प्रकार से लिखा गया है, कोई भी वेरिएबल इस प्रकार से लिखा गया है और इसका सबसे बड़ा पावर, देखिए कोई भी वेरिएबल है ए से जेड तक जितने भी लेटर होते हैं ये सभी वेरिएबल कहलाते हैं, और सभी वेरिएबल के ऊपर पावर कितना होता है, वन ऑलरेडी रहता है। तो देखिए अगर इस पे पावर नहीं दिख रहा है, तो अगर अल्फाबेटिकल लेटर है तो इस पे पावर हमेशा कितना होता है, वन। तो पावर वन वाले को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। यानी कहा जाए दोस्तों तो ये जो इक्वेशन है इसमें सबसे बड़ा पावर वन होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। सपोज कीजिए इस प्रकार से लिखा होता 2x-5, तो माइनस प्लस से अपने को कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसमें है दोस्तों कि ये जो x है ना, इसका पावर कितना है, इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है, तो x का पावर वन। यानी कहा जाए तो वन पावर रहेगा तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो समझिए हमें जितने भी क्वेश्चन ये दिख रहे हैं सभी पे पावर वन है, सभी पावर कितना है, वन है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है जिसका सबसे बड़ा पावर टू हो। बड़ा पावर कितना होना चाहिए, टू, चाहे क्वेश्चन कैसे भी लिखा हो, ऐसे लिखा हो। तो देखिए सबसे बड़ा पावर, देखिए इस पे भी पावर है, मैंने बोला कि अल्फाबेटिकल जितने भी लेटर हैं सभी पे पावर होते हैं, तो इस पे भी पावर टू है, इस पे पावर वन है और नंबर पे पावर जीरो होता है। तो बताइए कि सबसे बड़ा पावर इसमें कौन सा है, तो टू। तो सबसे बड़ा पावर टू की वैल्यू, टू पावर वाले को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू पावर वाले को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही अगर थ्री पावर के फॉर्म में मिल जाए ऐसे इस प्रकार से, तो हमें सबसे बड़ा पावर देखना है। सबसे बड़ा पावर का मतलब ऊपर, तो इसका पावर जीरो, इसका पावर टू, इसका पावर थ्री, तो सबसे बड़ा पावर थ्री है, इसलिए सबसे बड़ा पावर अगर थ्री होगा तो उसे क्यूबिक बोलेंगे, सबसे बड़ा पावर अगर टू होगा तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और इस सभी में सबसे बड़ा पावर अगर वन होगा, वन नहीं भी दिखे तो समझ लीजिएगा वन है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो बच्चे लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अब इसका रूल क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक बेसिक नॉलेज का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके इसके इससे रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज है लीनियर इक्वेशन का, आप उसे पढ़ लीजिए, उसे देख लीजिए, जिससे कि समझ में आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, ऊपर लिखा है क्वेश्चन नंबर वन में, सोल्व द फ्लोइंग। इसका मतलब होता है कि नीचे जो फ्लोइंग का मतलब नीचे, जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कहाँ है बच्चे लोग, यहाँ पे है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x-2=7 है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वेरिएबल्स को लिखना है। वेरिएबल्स का मतलब ए बी सी डी के जितने भी लेटर, इसमें से जो भी लेटर दिख रहा है ए बी सी डी का उसे पहले लिखिए। चलिए इसमें ए बी सी डी का लेटर कौन है, तो एक्स, तो एक्स लिख देंगे, और जस्ट बॉर्डर देना है, बॉर्डर का मतलब इक्वल टू, ए बी सी डी का लेटर यानी वेरिएबल्स लिखने के बाद जस्ट इक्वल टू। चलिए इधर बॉर्डर पार कर गए तो सबसे पहले इस नंबर को लिखिए 7, और ये माइनस है तो रिवर्स होता है बच्चे लोग, अगर ये माइनस रहेगा तो प्लस कीजिएगा और प्लस रहेगा तो माइनस, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये देखिए तो प्लस करना है कि माइनस करना है, तो दोनों प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होगा, 7+2=9, प्लस दीजिए या ना दीजिए दोनों चलता है, प्लस छिपा रहता है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है y+3=10, इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले सॉल्व लिख देना है,
चलिए सॉल्व लिख दिए हैं, अब करना क्या है, सबसे पहले किसे रोकना है, लेटर को, अल्फ़ाबेट का लेटर, यानी वाई है तो वाई और जस्ट इक्वल टू दे देना है। चलिए इक्वल टू के बाद वाला नंबर कौन सा है, 10, तो 10 लिखेंगे, अगर प्लस है तो माइनस बनेगा, ये माइनस था तो प्लस बना था, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 7, 10 में से 3 गया 7, यही इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को सॉल्व करते हैं बच्चे लोग, कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 इक्वल टू जेड प्लस 2, इस प्रकार से है, तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, देखिए 6 के साथ कौन आएगा, नंबर के साथ नंबर आएगा, तो नंबर है, काउंटिंग का नंबर है और ये भी नंबर है, तो प्लस है तो रिवर्स आएगा तो माइनस और इक्वल टू क्या हो गया, जेड। अब बात करेंगे तो इसको सीधा सीधी कितना बचा, 4 इक्वल टू जेड, 6 में से 2 गया 4, साइन किसका पड़ेगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 6 के पहले क्या है, तो प्लस ही रह जाएगा, तो प्लस दीजिए या ना दीजिए चलता है, इक्वल टू जेड, और इसे इस प्रकार से कंडीशन लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 4, नंबर दोनों इंटरचेंज हुआ है, जेड इधर आया और ए नंबर इधर, इंटरचेंज में कोई साइन चेंज नहीं होता, अगर केवल एक नंबर दूसरे साइड में आता है तब चेंज होता है, तो बच्चे इस प्रकार से जेड का वैल्यू कितना आ गया, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करते हैं, तो देखिए 3 upon 7 plus x = 17 upon 7, इसे कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले वेरिएबल को ढूंढिए, वेरिएबल क्या है, x, तो यहाँ x लिख देंगे और जस्ट इक्वल टू, वेरिएबल लिखने के जस्ट इक्वल टू डालना है और इक्वल टू के बाद कौन सा नंबर है, 17 upon 7 और उसके बाद ये प्लस है तो रिवर्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या करना है देखिए जरा सा, नीचे का एलसीएम लेंगे 7 7, अगर नीचे का सेम है तो ऊपर का भी सेम कॉपी कर लीजिए, 17 minus 3, इस प्रकार से कर लेंगे। अब क्या करना है बच्चे लोग, तो देखिए बिल्कुल ईजी है, एक्स इक्वल टू 17 में से 3 गया कितना बचा, 14 और अपन कितना, 7, कैंसिल होता है कर लीजिए, 7 का टेबल में 14 टू टाइम में, यानी कहा जाते है एक्स इक्वल टू 2, आंसर आ गया। चलिए बच्चे लोग क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर में क्या करना है, 6x = 12। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मिल रहे थे बच्चे लोग, वो क्वेश्चन कैसा था, माइनस या तो प्लस में दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं दिखे ना, ये क्या है, कोफिशियंट है और ये हमारा वेरिएबल है, तो इनके बिटवीन जो रिलेशन है ये क्या है, मल्टीप्लाई, तो आपको मल्टीप्लाई समझना है। अब करना कैसे सॉल्व है, सॉल्व लिख देना है सबसे पहले वेरिएबल्स, तो एक्स इक्वल टू 12 और ए नंबर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाएगा, यानी नीचे जाएगा, कोई भी साइन नहीं रहे तो उसका नंबर कहाँ जाएगा, नीचे। 6 से 12 कितने टाइम में, 2 टाइम में, यानी कहा जाए बच्चे लोग, तो x की वैल्यू 2 आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, t/5 = 10, इस प्रकार से है। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व लिख देंगे, सॉल्व लिखने के बाद क्या करना है जरा समझिएगा, सॉल्व लिख दिए, यहाँ पे क्या दिखता था, कोई भी साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर है अपोन में है, अपोन यानी बटा में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर जब भी कोई नंबर अपोन में दिख जाए, दूसरे साइड अपोन नहीं है तो कुछ नहीं, तो आपको 1 दे देना है, कितना दे देना है, 1, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, टी में 1 से करेंगे तो टी होगा, 1 नहीं लिखेंगे बच्चे लोग, केवल और केवल टी, 1 यहाँ पे छिपा है, इक्वल टू 5 × 10 = 50, यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं किधर जाएगा, नंबर रहता तो अभी आगे बढ़ता, टी इक्वल टू नंबर नीचे चला जाता, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है इसलिए टी का वैल्यू 50 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है देखिएगा, 7 हमारा है 2x/3 = 18, चलिए करते हैं, तो देखिए ए नंबर फिर से वापस अपोन में आ गया, अपोन में ऊपर और नीचे, तो ऐसे कंडीशन में आपको जहाँ पे नहीं नंबर है नीचे उसमें 1 दे देना है, अगर पहले से कोई नंबर होता तो 1 नहीं देते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से करेंगे 2x में तो वापस कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 2x, एक साइड का अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो जस्ट इक्वल टू डाल देना है, 18 × 3 = 54, अब करेंगे बच्चे लोग तो x = 54
और ये नंबर कहाँ आ जाएगा, अपोन में, क्योंकि देख सकते हैं वापस वही कंडीशन में आ गया, इनके बिटवीन रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई। तो देखिए दो से कैंसिल कर लीजिए, कटेगा तो 27, डिवाइड करके देख लीजिएगा, x इक्वल टू 27 आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है बच्चे लोग। अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए फिलहाल इसे रब कर लेते हैं। तो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8, इसे कैसे करना है, 1.6 इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। चलिए देखिए इधर साइड का भी एक कंडीशन में क्या था, लेफ्ट साइड का अपोन में आता था, लेकिन यहाँ पे राइट साइड का अपोन आ गया, और इधर कुछ नहीं तो 1 दे देना है, क्या दे देना है, 1। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे इजी क्या है बच्चे लोग, सबसे पहले वेरिएबल वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे क्या होगा, अरेंज हो जाएगा, वापस अरेंज नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए वाई में 1 से करेंगे तो वाई हो जाएगा, और जस्ट एक साइड का मल्टीप्लाई हो गया तो इक्वल 2। चलिए इससे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 15 से, ये 16 है, 16 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 240 होगा, 240 लिख दीजिएगा। अब देखिए पॉइंट कितने डिजिट के बाद, यहाँ राइट साइड का गिनना है, ये लेफ्ट है राइट है, तो 1 डिजिट यहाँ है और 1 डिजिट यहाँ है, कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट, 1, 2, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, और डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू गिनती नहीं आती, तो बोला जाए तो y इक्वल टू 2.4 आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 में क्या है बच्चे लोग, तो 7x माइनस 9 इक्वल टू 16 है, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये माइनस और प्लस वाले को उधर भेजना होगा, तो पहले लिखना होगा इसे जे एजिटिव लिख देना है, इक्वल टू 16, और ये माइनस है तो रिवर्स आ जाएगा प्लस में, 7x इक्वल टू कितना हो गया 25, इसलिए x इक्वल टू 25 अपॉन 7 आ गया बच्चे लोग, आसान है क्योंकि 7 से डिविजिबल नहीं है, यहीं पे छोड़ देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है 14y माइनस 8 इक्वल टू 13, इस प्रकार से। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं, इसमें क्या आता है देखिए कंडीशन, तो इसमें अपने को क्या करना है, सबसे पहले बोले कि अगर यहाँ वेरिएबल भी है और नंबर भी है, तो नंबर को पहले माइनस से प्लस में भेज देना है, या प्लस रहे तो माइनस में भेज देना है, उसके बाद करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 14y इक्वल टू 13, ये माइनस है बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 14y इक्वल टू कितना हो गया 21, इस प्रकार से हो गया। अब y इक्वल टू 21 और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, तो इसका नंबर कहाँ जाएगा, नीचे। अब देखना है 14 का टेबल में 21 नहीं आता, तो ऐसे कंडीशन में आप चाहे तो काट सकते हैं कोई वैसा टेबल जिसमें दोनों आता है, तो 7 का टेबल, 7 का टेबल में कितने बार में, तो 3 बार में, और 7 का टेबल में 14 कितने बार में, 2 बार में, तो y इक्वल टू बच्चे लोग आ गया 3/2 आंसर, इस प्रकार से आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, तो कैसे करते हैं, बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 आ गया, 11, तो 11 में क्या है बच्चे लोग, 17 + 6p = 9, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इधर क्या रोकना होगा, लेफ्ट साइड में अपने को वेरिएबल्स वाला रोकना होगा, तो वेरिएबल्स क्या है, a है, तो 6p लिख देंगे, प्लस है तो प्लस दे सकते हैं, इक्वल टू पहले लिखना है 9, और यहाँ पे प्लस है तो रिवर्स जाएगा तो माइनस, यानी नंबर के साथ नंबर, तो बोला जाए तो 6p इक्वल टू 9 में से 17 नहीं जाएगा तो माइनस लगाइएगा, और जाएगा तो प्लस लगाइएगा। चलिए और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, घटा लेंगे 9 में से 17 नहीं तो 17 में से 9 घटाएंगे उल्टा, तो 8 बचा, साइन किसका पड़ेगा, जो नंबर बड़ा है या जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन पड़ता है। चलिए पी इक्वल टू माइनस 8/6, कोई वैसा टेबल पढ़िए जिसमें दोनों आता है, तो 2 का टेबल, 2 4 जा 2 3 जा, इस प्रकार से कह सकते हैं आप कि हमारा जो आंसर आ गया -4/3, ध्यान रहे बच्चे लोग कि आपका साइन छूटना नहीं चाहिए। चलिए आसानी से सॉल्व हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्स अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15 इस प्रकार से है। चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है। सॉल्व करना क्या है, अपने को पहले लिखना है वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या है x, तो x और अपॉन 3 ये साथ में लेना पड़ेगा, क्यों जब वेरिएबल ले रहे हैं तो इसके साथ वाला लेना पड़ेगा। इक्वल टू 7 अपॉन 15, ए प्लस है तो रिवर्स जाएगा तो माइनस, यानी नंबर को राइट साइड में भेज देना है, वेरिएबल्स को लेफ्ट में रखना है। एक नंबर के नीचे नंबर दिखे तो दूसरे के नीचे ओवन करना है। अब देखिए एक्स अपॉन 3 इक्वल टू एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अगर आपने फ्रैक्शन का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड यानी जितने भी बेसिक मैथ है आप उसे देख लीजिए, जिससे कि बेसिक अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, 15 से 15 देखिए पहले नीचे का एलसीएम करते हैं, कर लिए। अब क्या करना है, नीचे का जो नंबर है और ए नंबर एलसीएम इसमें डिवाइड होता है, तो 15 से 15 कितने टाइम में, ओवन टाइम में, ऐसे करना है डिवाइड। 15 से 15 तो वन टाइम में कैंसिल हो गया, ओवन आ गया, तो वन में 7 का गुना हो जाएगा 7 माइनस, ओवन से 15 तो 15 टाइम में 15 बन जाए 15, इस प्रकार से कर लेना है। चलिए एक्स अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 रहेगा, 7 में से 15 जाएगा तो माइनस 8 बचेगा, क्योंकि 7 में से 15 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो माइनस, अब 15 में से 7 तो 8। चलिए अब क्या कर सकते हैं, इसके साथ ना तो माइनस कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं क्योंकि बीच में ब्रेक लगा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू एक्स कितना हो गया, 15x इक्वल टू 83 जब माइनस 24, इधर का मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है, जस्ट इक्वल टू डालना है और 83 जब 24, एक्स इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 15। कोई वैसा टेबल बताइए जिसमें दोनों आता है, तो 3 का टेबल, 38 जा 24, 35 जा 15, अब किसी टेबल में दोनों नहीं आते तो आंसर आ गया माइनस 8 अपॉन 5। तो बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।